नाजिम चोखियो कत्ल केस में मुकदमे के मुदई और मकतूल के भाई अफजल चोखियो ने जीआईटी बनाने के लिए आईजी सिंध को दरख्वास्त लिख दी। अफजल चोखियो ने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि 3 नवंबर को मेमनकोट थाने की हदूद में मेरे भाई का बेमाना कत्ल किया गया। मैं अब तक होने वाली तहकीकात से मुतमईन नहीं हूँ। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि मरकजी मुलजिम जाम अवैस और जाम अब्दुल करीम से ठीक तफ्तीश नहीं की जा रही। अफजल चोखियो ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मकतूल नासिम चोखियो के कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन, पर्स और दीगर दस्तावेजात बरामद नहीं की जा सकी। जाम अवैस और अब्दुल करीम से मेहमान खसूसी जैसा बर्ताव किया जा रहा है। गैर मुल्कियों से मुतलिक तहकीकात नहीं की जा रही। इनके नाम भी पता नहीं चल सके। जिस गाड़ी में मकतूल को अगवा किया गया वो बरामद नहीं की गई। अफजल चोखियो ने मुतालबा किया है कि मुकदमे में दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात शामिल की जाए। एसएसपी तनवीर आलम ओढ़ो की सरबराही में नई जेआईटी बनाई जाए। जेआईटी में रेंजर्स और हसास इदारों के अफसरान को शामिल किया जाए। मुदई मुकदमा गवाहान और वकला को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। कैश वैन डकैती, बरामद रकम मुदई मुकदमा के हवाले करने का हुक्म। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मीठादर में कैश वैन से 20 करोड़ से ज्यादा रकम लूटने के मुकदमे में बरामद रकम मुदई मुकदमा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। दायर दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया था कि मुलजमान से बरामद 3,78,59,200 रुपए कंपनी की मलकियत है, वो दिए जाए। मीठादर थाने में निजी सिक्योरिटी कंपनी के रीजनल मैनेजर शुएब शेख की मुदयत में मुकदमा दर्ज है। 6 अगस्त को निजी कंपनी की कैश से ड्राइवर 20 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गया था। मुकदमे में अब तक 13 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। SIUT में 2 नए यूनिट्स की तंसीब, रोबोटिक सर्जरी का आगाज। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT ने अपने मरीजों के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। सर्जरी की ये किस्म जदीद तरीन तरीका इलाज तस्वर की जाती है। इस सर्जरी के जरिए मरीज को नुमाया तौर पर दर्द में कमी, खून का कमजिया और इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अस्पताल से जल्द फरागत मिलने के अलावा रोजमर्रा के काम मामूल के मुताबिक किए जा सकते हैं। अब SIUT में 2 नए रोबोटिक सर्जिकल यूनिट की तंसीब से मरीजों की एक बड़ी तादाद मुस्तफीज होगी। इब्तदाई तौर पर वर्सी रोबोटिक सिस्टम से शोबा गुर्दा मसाना के मरीज इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकेंगे, जिसके बाद इसका दायरा कार वसी किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से अमेरिका और रूस के नुमाइंदगान खसूसी बराए अफगानिस्तान और जमीर काबलोफ ने अलग अलग मुलाकातें की। GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक थॉमस वेस्ट से मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तवील मुद्दती और कसीर उल जहती ताल्लुक का ख्वाहा है। जमीर काबलोफ से मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान तमाम इलाकाई प्लेयर्स के साथ दो तरफा रवाबित की रिवायत को बरकरार रखना चाहता है। पाकिस्तान रूस के साथ तवील मुद्दती और पायदार तल्लुकात का ख्वाहा है। मुलाकातों में आर्मी चीफ ने इंसानी बहरान से बचने और अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मजबूत कोशिशों के लिए अफगानिस्तान के लिए आलमी इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी और रूसी नुमाइंदगान ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए काबिशों की तारीफ की और पाकिस्तान के साथ सफारती तआवुन में मजीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म को दोहराया।